यानी जब मनुष्य का रचना किया गया, बाबा आदम को बनाया गया, तो हुआ ऐसा कि अकेला कोई आदमी रहेगा, अकेला मनुष्य को कहीं मन लगेगा, मन लगेगा। आदमी तो आदमी खोजता है, मनुष्य का मानी क्या, जिसको एक दूसरे से उनसीयत हो, प्रेम हो। मनुष्य को मनुष्य के साथ प्रेम होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही से सब कुछ सीखेगा। अरे मनुष्य ही ने मनुष्य का गुरु होगा जी, मनुष्य ही ने मनुष्य का दोस्त होगा, ये दूसरा कोई होगा नहीं हो सकता। ये दुश्मन भी तो होता है तो आदमी होता है, आदमी का दूसरा तो कोई होगा नहीं। मनुष्य के लिए तो मनुष्य चाहिए। तो वो अकेला थे, बिल्कुल तनहा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारा कोई जोड़ा पैदा कर। ये प्रार्थना उन्होंने किया तो उनका प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया। वो सो गए, उनको नींद आ गई। कुछ क्षण के लिए जब वहां खुलती तो देखते हैं कि बगल में उनका एक जोड़ा बैठा हुआ है। तो उसको देखते ही उस पर वो फरिश्ता हो गया, चाह के इसके इसको हम छुए। कोई ऐसा ब्यूटीफुल चीज हो, खूबसूरत, आदमी को चाहता है कि इसको छुए। यूं ही उन्होंने चाहा कि ऐसे हाथ बढ़ावे, समझ गए ना, वहां से उसको आकाशवाणी होती है, खबरदार तुम उसे छू नहीं सकते हो, समझ गए ना। हम एक मोटर में देखा, क्या अंग्रेजी में लिखा था कि खूबसूरती देखने की चीज है, छूने की चीज। तो उसको आकाशवाणी होती परमात्मा की तरफ से, उनको आवाज मिलता, खबरदार तुम उसको छू नहीं सकते हो। क्यों? जब तक कि तुम उसका मोह नहीं मान लो, यानी उससे तुम कौल इकरार नहीं कर लो, उस वक्त तो तुम उसको छू नहीं सकते हो। बड़ा चक्कर में पड़ेगी। वाह, हमको ये बनाया गया है तो फिर कह रहा है इसको छुओ मत, ठीक है। तो इसका दैनिक मोहर क्या है? कहा गया कि हमारा जो महबूब जो चीज है, जिसको जिसका हम आशिक है, उसका जो है तुम वंदना करो, पहले उस पर दरूद भेजो, यही उसकी मोहर है। इसको हम लोग मोहम्मद साहब कहते हैं। कह रहा है परवरदिगार कि तुम पहले हमारे हबीब पर दरूद भेजो और सलाम भेजो, यही उसकी दैन मोहर। लिहाजा वो जो है दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। तो फरिश्ते लोग आते हैं और उनको निकाह पढ़ा दिया जाता है आदम के साथ। इसे लोग निकाह पढ़ाते हैं। अब तो उसकी बीवी बन गई, तो एक स्त्री थी, लिहाजा दोनों रहने लगे। जब रहने लगे तो परमात्मा को अवसर गुजरता है कि आग पानी का साथ तो चलेगा नहीं, चलेगा जी, कब तक चलेगा? जब उनको हुक्म होता है याद मुझको यानी ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हुआ कि दोनों स्वर्ग यानी बहिष्ठ में रहो और खाओ जहाँ से तुमने दी चाहे। मेवा मेवा का बाग उसमें लगा हुआ था, हर तरह का मेवा उसमें मौजूद था। खाओ और घुरो फिरो, पूरा बाग जन्नत तुम्हारे लिए है। लेकिन खबरदार, इस बागीचे में जो है गेहूं का एक दरख्त, तो तुम उसके नजदीक मत जाना। अगर जाओगे तो जालिम बन जाओगे। परमात्मा की तरफ से हिदायत मिलता है। बहरहाल तो उनको उस गाछ का कोई ज्ञान नहीं था। पूरे जन्नत में होते थे, लेकिन गेहूं की गाछ कहाँ, ये तुम्हें देखा ही नहीं था। है तो सारा बात मेरा खा जाए, कोई मानियत नहीं था। गेहूं खाने में खाए मानियत होगी, तो खुद ये बात उनके दिमाग में नहीं आती थी। अब देखिए, वहीं से गुरु ज्ञान की जरूरत वहीं से। पहले उनको गुरु, अब गुरु बनकर उनका कौन आता है? शैतान। हाँ, तो कोई और मनुष्य नहीं था गुरु बनता, ये स्वयं भगवान, समझ गए ना। जब उसको सिखाता है कि तुमको जो चीज खाने से मना किया गया है, इसलिए मना किया गया है कि तुम उसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। इसलिए परमात्मा ने तुमको मना कर दिया है, अरे तुम वो चीज खाओ ताकि तुम अमर हो जाओ। और उसने कसम खा के कहा कि मैं परमात्मा कसम खा के कहता हूँ कि तुम फल खाओगे जब तुम अमर होगे, वरना तुम अमर हो नहीं सकते। अब इनको भारी चिंता हुआ कि फल है कहाँ जो हम खाएं। तो भगवान कहता है कि सांप और मोर, ये दोनों को हमने जन्नत से निकाल दिया था। सांप और मोर, समझ गए बोले। बहरहाल लेकिन वो चुपके से दाखिल हो गए स्वर्ग में। अब यहीं से फौक पैदा होता है, समझा ना मौलवी साहब। एक फौक सिखाता है सैयाद को नक्सीरी, समझ गए ना। जब फल को चाक नहीं किया जाएगा, उसको गुठली नहीं निकलेगा। यहाँ तो गुठली या दाना को निकालना है। ये तो वाला मम्मा, ये तो वाला है, मतलब मुर्दे से जिंदे को निकालता है, जिंदे से मुर्दे को निकालता है। खुदा ताला की हिकमत है। अब उनमें फक्र पैदा होती है। फक्र माने होता है किसी चीज का, जैसे फूल है उसका हम अर्थ में जोड़ लें तो क्या हो गया, वो फक्र हो गया। अब जैसे बादाम एक फल है बड़ा, अब उसको चूर के उसके अंदर शरीर निकाल लें, आइया कि बादाम खाना शुरू करते हैं तो हमारा आपने तो काम नहीं किया। जैसे घास से फल को खा लेते हैं, हम बादाम को भी चढ़ाना शुरू करते हैं, अगर फाक फाड़े हुए उसको गुदा निकालेंगे तो बेवकूफी ना होगा। अब नारियल एक फल है, कितना सख्त पड़ता है उसके ऊपर, बड़ी ये चीज है। नारियल नाम भी उसका वैसे ही है, लेकिन नारियल दर्द तोड़ लीजिए, सबको दिखलाई सब कहेगा नारियल, लेकिन नारियल नहीं है। उसका छोड़ा उखाड़ के फेंक दीजिए काट के चूरा से, फिर सबको दिखलाइए क्या है, कहेगा नारियल, लेकिन नारियल नहीं। अब उस पर एक सख्त पर्दा है, उसको तोड़िए, अंदर से उसका सुफीद गुदा निकलेगा, सबको दिखलाइए कहेगा नारियल, वो भी नारियल नहीं। नारियल वो है जो उसने यानी इस अमृत को उसने छुपा दिया है, लेकिन पानी तो पानी, उसको कौन पूछता है क्या है। समझ रहे हैं, इतना छुपा तो खुदा में रखा तो क्या चीज को पानी है ना जी, तो नहीं छुपा उसने। इसी तरीके से इतना साफ पर्दे में उसने छुपा के रखा तो क्या चीज को छुपे, कहीं उनको नजरें आता है कहा। अब गुरु बन के आता है तो सिखाता है उसको, अब जो है उनको जानकारी हो गई, समझ गए ना। अब उनको जानकारी हो गई गुरु के पढ़ाने से, अब जो है अपनी बीवी के साथ मिलते हैं, समझ गए। ऐसा करना था, खुदा ताला कहता है कि उनका सत्र जो है खुल गया, जाहिर हो गया कि हम क्या है, समझ गए नहीं। तब कहा गया तुम निकलो यहाँ से, ये काम यहाँ नहीं होगा, इसके लिए जमीन तुमने बना कर रखा, तुम नहीं चला जाओ, चले जाओ, वहीं से तुम अपने मतलब को पहुँचोगे, समझ गए नहीं। तो किस चीज़ के लिए स्वर्ग से निकले हम लोग पता है, गेहूँ के लिए बेशुमार मेवा था, लेकिन कुछ नहीं, किसी के खाने से अशुद्धि नहीं हुई, तो उसी के लिए तो स्वर्ग से निकल के यहाँ धरती पर आ रहा है।